जापान पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, दो दिन के क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने टोक्यो पहुंचे हैं पीएम मोदी। टोक्यो में पीएम मोदी के सामने मोदी मोदी और भारत माता की जय के लगे नारे, पीएम ने भी भारतीयों का हाथ हिलाकर जताया आभार, कई बच्चों को दिए ऑटोग्राफ। क्वाड बैठक में शिरकत करने के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की चालबाजियों के बीच पीएम मोदी का जापान दौरा काफी अहम। 40 घंटे की यात्रा के दौरान पीएम मोदी करेंगे 23 अहम मीटिंग, 3 वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात के साथ 36 जापानी सीईओ से संवाद, भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। कल होगी मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी बात। क्वाड में भारत समेत दुनिया की 4 बड़ी ताकतों के मिलने से चीन परेशान, विस्तारवादी नीति की वजह से बदनाम है चीन। पीएम मोदी के पहुंचने के बाद जय श्री राम के लगे नारे, लोगों ने पोस्टर लहराए, जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। आज से वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत में सुनवाई, जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में होगी बहस, सर्वे में मिले सबूतों पर होगी चिर है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला जिला अदालत को किया था ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के साथ नमाज भी रहेगी जारी। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई से पहले एक और शिवलिंग का दावा, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने 154 साल पुरानी तस्वीरों के जरिए दिया हवाला। ये हमारे नंदी भगवान हैं, यहाँ देखिए लोग बैठे रहते थे और इस तरह से यहाँ पे यही दरवाजा है जहाँ पे वो शिवलिंग है। काशी विश्वनाथ के महंत कुलपति तिवारी ने शिवलिंग की पूजा की मांग की, कहा भगवान भोलेनाथ को कैद से मिले मुक्ति। आज इस बात पर भी बहस होगी कि वजूखाने में जो पत्थर की आकृति मिली है असल में वो शिवलिंग है या फवारा। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक है शिवलिंग, इसी आधार पर हिंदू पक्ष तहखाने की खुदाई की कर रहा मांग, नंदी के सामने दीवार गिराने पर भी होगी बहस। मुस्लिम पक्ष सर्वे को 1991 के पूजा अधिनियम के खिलाफ और संविधान के विरुद्ध बताने के रुख पर कायम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के साथ वजूखाने का इस्तेमाल हुआ बंद, मस्जिद के बाहर प्रशासन ने किया वजू का इंतजाम। नमाजियों की सीमित संख्या पर भी हो सकती है चर्चा, 4 दिन हुआ था ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, 1000 तस्वीरें और कई वीडियो बताएंगे ज्ञानवापी का सच। ज्ञानवापी मामले पर मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन की अपील करने वाले मौलाना तौकीर रजा की सफाई, हिंसा नहीं गांधीवादी तरीके से करेंगे आंदोलन। जेल भरो आंदोलन होगा अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई फैसला नहीं लिया, निर्णय नहीं लिया, देश के माहौल को, फिरका परस्ती को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो जेल भरो आंदोलन होगा। इतिहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा ने कहा कि मुस्लिम संगठनों ने मामले में हस्तक्षेप के लिए पीएम मोदी से 1 सप्ताह के अंदर मांगा है समय। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल, अभिषेक बनर्जी ने दिलाई सदस्यता। टीएमसी में लौटते ही बोले अर्जुन सिंह, एसी रूम में बैठक कर बीजेपी नहीं कर सकती राजनीति, बीजेपी ने कहा अवसरवादी लोगों के लिए पार्टी में जगह नहीं। आज शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र, सूत्रों से खबर, आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम लेंगे विधायक पद की शपथ, जेल में बंद होने की वजह से नहीं ले पाए थे शपथ। लखनऊ के लिए रामपुर से देर रात रवाना हुए एसपी विधायक आजम खान, खान से पहले माता पिता की कब्र पर पढ़ी फातिहा। मीडिया के सामने आजम का छलका दर्द, जेल में इंस्पेक्टर ने एनकाउंटर होने की दी थी चेतावनी, बोले पता नहीं कहां तक जाएगा सफर।
आजम खान ने इशारों में अखिलेश पर साधा निशाना, खुद को बताया बिना हैसियत का। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए आजम खान, शिवपाल ने भी बनाई दूरी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 24, उफान पर कई नदियां, 22 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। रविवार को बाढ़ की विनाश लीला के बीच दो बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई। नगांव में बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और कछार जिले में बच्चे की डूबने से मौत। असम के 5 जिलों में 269 राहत शिविरों में कुल 91,000 लोग लिए हुए हैं शरण। एनडीआरएफ की टीमें निचले इलाकों में फंसे लोगों का कर रही है रेस्क्यू, सड़कों पर चल रही है बोट। असम के पोबितोरा में बाढ़ के प्रकोप से जानवरों को बचाने के लिए वन विभाग ने बनाए 6 हाईलैंड, बाढ़ से गैंडों समेत कई जंगली जानवरों की हो चुकी है मौत। केदारनाथ में बर्फबारी, ठंड और ऑक्सीजन की कमी के चलते यात्रियों के लिए मुश्किल बनी बर्फबारी। केदारनाथ में अब तक हार्ट अटैक से हो चुकी 27 यात्रियों की मौत, हर रोज केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं 15,000 यात्री। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच जाम लगने से यात्रियों को हो रही परेशानी, 10 मिनट की दूरी 3 घंटे में कर रहे हैं पूरी। उत्तराखंड के चमोली में खोले गए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, 5,000 संगत के साथ शुरू हुई यात्रा, कपाट खुलने के बाद बर्फबारी शुरू। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में अब तक 59 लोगों की मौत, अकेले केदारनाथ में जा चुकी है 28 यात्रियों की जान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पेपर मिल के लकड़ी डिपो में लगी भीषण आग, 40,000 टन लकड़ी जलकर खाक। आग ने पास के पेट्रोल पंप को चपेट में लिया, आग की ऊंची लपटों के साथ धुएं के गुबार ने बढ़ाई मुश्किल, आग से 50 करोड़ के नुकसान का अनुमान। हरियाणा के गुरुग्राम में केमिकल गोदाम में लगी आग, आग से लाखों के नुकसान का अनुमान, कई घंटे बाद पाया जा सका आग पर काबू। मुंबई के बोली इलाके में नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में लगी आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। बाराबंकी के सराय शाह आलम गांव ट्रक में रखी आतिशबाजी में धमाका, एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। आगरा में ट्रैक्टर से भीड़ को कुचलने की कोशिश का वीडियो वायरल, कई लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखे, दो पक्षों में खेत में कूड़ा डालने को लेकर हुआ था विवाद। वायरल वीडियो में एक महिला झोपड़ी में आग लगाकर बाहर आती दिखी, डोकी थाना इलाके के पिपरा गांव का मामला, दोनों पक्षों के 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। एमपी के नीमच में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या के आरोपी का पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी दिनेश कुशवाहा की हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में तेज रफ्तार टैंकर ने हाईवे किनारे की दुकान में मारी टक्कर, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पानी की समस्या को लेकर आज करेंगे प्रदर्शन, बीजेपी और शिवसेना में जारी है पोस्टर वॉर। पुणे में राज ठाकरे ने रैली में उद्धव पर साधा निशाना, असली हिंदू वाले बयान पर कहा मुझे आती है हंसी। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने की राज ठाकरे ने की मांग, कहा पीएम मोदी से सामान्य नागरिक संहिता लागू करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का करूंगा आग्रह। महाराष्ट्र सरकार ने तेल पर घटाया वैट, पेट्रोल पर 2.80 रुपए प्रति लीटर की राहत तो डीजल पर 1.40 रुपए की राहत। महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने गाय का दूध निकालकर अनोखे तरीके से किया प्रदर्शन, गाय के दूध को 50 रुपए प्रति लीटर दाम मिलने की मांग। राज ठाकरे पर फिर भड़के बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह, राज ठाकरे को बताया रावण से भी ज्यादा अत्याचारी। मेरा मानना है कि रावण ने अत्याचार नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना, बोले राहुल सबसे असफल, हताश और निराश नेता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर साधा निशाना, कहा थोड़ा समय भारत में भी बिताएं राहुल गांधी। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई की रिपोर्ट को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया गलत, कहा अभी कोई नहीं लिया गया फैसला।
दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह राहत की बारिश, कहीं हल्की और कहीं झमाझम बरसात, चढ़ते पारे से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के हरिनगर इलाके में बदमाशों का तांडव, 30 राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप, गोली लगने से एक शख्स घायल। बिहार की गया में पुलिस ने एक कार से 5 तस्कर किए गिरफ्तार, 135 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद। औरंगाबाद में पत्नी ने प्रेमी की मदद से की पति की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में शादी में डांस को लेकर ग्रामीणों और बारातियों में मारपीट, पुलिस के दखल के बाद मामला हुआ शांत, जैतपुर के फतुल्लापुर गांव का मामला। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ विधायक दल की बैठक में हुए शामिल। उत्तराखंड के बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को किया संबोधित, फागपुर में धामी का भव्य स्वागत। एमपी के गुना में शिकारियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस जवान संतराम मीणा के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक। राजस्थान के कई इलाकों में गहराया जल संकट, गहलोत के गृहनगर जोधपुर में जल संकट के चलते पानी पर पुलिस का पहरा। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार, लूट का सामान और हथियार बरामद। पंजाब के होशियारपुर के गदरीवाला गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे की मौत, कुत्ते से खुद को बचाने की कोशिश में बोरवेल में गिरा था बच्चा। सेना और एनडीआरएफ ने 8 घंटे बाद बच्चे को निकाला, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत, सीएम भगवंत मान ने पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद के दिए निर्देश। असम के कारोबारी ने लॉन्च की 24 कैरेट खाने योग्य सोने की पत्तियों की चाय, 2.5 लाख रुपए प्रति किलो होगी कीमत। एमपी के छिंदवाड़ा में एक दिव्यांग भिखारी ने पत्नी को मोटरसाइकिल की गिफ्ट, कैश से खरीदी 90,000 की गाड़ी। ट्राईसाइकिल में धक्का लगाती थी पत्नी, पत्नी की परेशानी दूर करने के लिए खरीदी गाड़ी। कानपुर में बिजली ऑफिस में ड्यूटी के दौरान बियर पीने वाले इंजीनियर का वीडियो वायरल, केस्को के एमडी ने किया सस्पेंड। प्रयागराज में कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, चोरी की 24 गाड़ियां बरामद। बिहार के लखीसराय के बढ़िया रेलवे स्टेशन पर रेल संघर्ष समिति का प्रदर्शन, कई घंटों तक रोकी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, 10 ट्रेनें रद्द, 29 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। हिमाचल में टूरिस्ट सीजन ने पकड़ी रफ्तार, सोलन शिमला कुफरी कसौली चैल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, बढ़ाई गई पुलिस के जवानों की तादाद। महाराष्ट्र के हिंगोली में ट्रक पलटने से एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल, किसी समारोह में जा रहा था डीजे। झारखंड के पाकुड़ में एक आदिवासी लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल, रोलाग्राम में नाबालिग लड़की को पीटता दिख रहा लड़का, सीएम ने लिया संज्ञान। राजस्थान के अजमेर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, किशनगढ़ में रोडवेज बस और ट्रेलर की टक्कर में गई जान। पंजाब के कपूरथला में नशे में धुत शख्स की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई, घर में पसरा मातम। राजस्थान के बाड़मेर में संतान न होने और दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर परेशान करने के आरोप के बाद महिला ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। हरियाणा के पानीपत में लघु सचिवालय में काम करने वाले एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, शहीद स्मारक के पास पेड़ से लटका मिला शव। पंजाब ने जीता आखिरी लीग मुकाबला, हैदराबाद को 5 विकेट से दी मात, दोनों टीमें अंतिम 4 की रेस से पहले ही हो चुकी हैं बाहर। हैदराबाद के 158 के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम ने 15.1 ओवर में हासिल की जीत। पंजाब किंग्स की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन रहे मैच के हीरो, 22 गेंदों में 49 रन बनाकर रहे नाबाद। मयंक अग्रवाल की पसलियों पर लगी उमरान मालिक की तूफानी गेंद, मैदान पर गिरे मयंक, काफी देर तक रुका रहा मैच। कल आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच गुजरात और राजस्थान में होगा मुकाबला, बुधवार को एलिमिनेटर मुकाबला लखनऊ और बेंगलोर में होगी भिड़ंत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल बने कप्तान, ऋषभ पंत को उपकप्तान। भारत में होने वाली T20 सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को दिया गया है आराम, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से खेले जाएंगे 5 मैच। जम्मू कश्मीर के पेस सेंसेशन उमरान मलिक T20 में नहीं होंगे शामिल, आईपीएल में 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली है गेंद। 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले बर्मिंघम टेस्ट के लिए भी टीम का ऐलान, रोहित शर्मा होंगे कप्तान, केएल राहुल उपकप्तान। टीम इंडिया में उमरान मलिक के सिलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में जश्न, दोस्त परिवार और रिश्तेदार ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर उतरे।